नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, आज की बड़ी न्यूज रिलायंस रिलेटेड है और जो कि अमेज़न को रिटेल बिजनेस में 20 अरब डॉलर में स्टेक बेच सकती है, ऐसा एक न्यूज आ रहा है। अब चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं और क्या इसकी फीसदी है, कितने रुपए का क्या जो है कितने डॉलर का कारोबार है, क्या होने वाला है आगे का। तो न्यूज जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया के सबसे बड़े धन कुबेर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले की जानकारी, ठीक है। इसमें जो है amazon.com को अपने खुदरा व्यापार रिटेल बिजनेस में लगभग 20 अरब डॉलर की हिस्सेदारी बेचने की पेशकश कर रही है, ठीक है। रिपोर्ट की माने तो रिलायंस अपने रिटेल बिजनेस में 40% तक की हिस्सेदारी अमेजन को बेचना चाहती है। अब इसमें चूंकि अमेजन जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में निवेश करने के बारे में रुचि भी ले रही है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मुंबई स्थित जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है की सहायक जो कंपनियां भी हैं उसमें भी 40% की हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अमेजन की सहायक कंपनियों में, ठीक है, हिस्सेदारी अपनी 40% तक की हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। और अगर ये डील हो जाती है तो आपको भी पता है कि ये बहुत बड़ी डील होगी। और ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों, ये 20 अरब डॉलर का यह सौदा भारत के साथ साथ जो है अमेजन के लिए भी सबसे बड़ा सौदा होगा। लेकिन चूंकि अगर बात की जाए कि इस पे कंफर्मेशन कहां से आया है, तो आप देख लीजिए कि अभी तक अमेजन के एक प्रतिनिधि ने डील को लेकर टिप्पणी करने से मना कर दिया है और साथ ही साथ रिलायंस के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने भी टिप्पणी करने से, अफवाहों पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये डील तो पक्की है इसलिए ही ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी एक चीज कह रही है कि हमारी कंपनी ने निरंतर आधार पर विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन किया है। ये एक बड़ी चीज बोल रहे हैं वो, ठीक है। और दूसरी जो पॉइंट है जो कि डील से अलग रिलायंस के बारे में ही है केवल, तो ये है कि आप जानते हैं कि रिलायंस ने 14 लाख करोड़ रुपए को पार कर लिया, जो उनका जो पूंजीकरण है वो 14 लाख करोड़ रुपए को पार कर लिया है। और आपको पता है एक चीज कि रिलायंस 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सूचीबद्ध कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो ये है अमेजन रिलायंस को लेके डील जो कि आपको बताया गया है। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा।